नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद करनेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। आज हम छठवां खंड प्रारंभ कर रहे हैं और इस खंड का नाम है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विद जॉय, अर्थात स्व परिवर्तन आनंद के माध्यम से। तो इस खंड का नाम है स्व परिवर्तन जो आनंद के द्वारा प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, छठे खंड में हम आगे बढ़ते हैं। इस छठे खंड को प्रारंभ करते समय माँ हमें स्व परिवर्तन का एक मंत्र हमें देती है, जो इस प्रकार है दोस्तों। आइए एक बार हम सब मिलकर इस मंत्र को साथ गाएं। सोहम 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 सोहम। इस छठे खंड को हम 26वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं दोस्तों, और इस 26वें अध्याय का नाम है डार्क नाइट ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा की अंधेरी रात्रि। तो आइए दोस्तों, वो कौन सा अंधेरा रात है आत्मा का, जिसके बारे में माँ हमें इस अध्याय के द्वारा विवेक देना चाहती हैं। तो आइए लक्ष्मी जी को हम आनंद करनेश जी के साथ प्रणाम करते हैं। नमस्ते लक्ष्मी जी। माता नमस्ते कहते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करती है। आनंद करनेश जी इस अध्याय के प्रारंभ में लक्ष्मी माँ से कहते हैं कि माँ, आज मैं अपने जीवन की जो द्वंद्वता से पूर्ण जो मेरे अनुभव हैं वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इसके जवाब में माँ कहती है, बेटा अवश्य, अगर तुम अपने जीवन के अनुभव जो द्वंद्वता से भरे हुए हैं उसे हमारे साथ बांटना चाहते हो तो हम बहुत खुशी खुशी सुनने को तैयार हैं। हालांकि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आनंद करनेश जी के ये अनुभव सिर्फ माँ के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। आइए आनंद करनेश जी के जीवन के जो द्वंद्वता से पूर्ण अनुभव है उसे सुनकर हम अपने जीवन में काफी कुछ सीख सकते हैं। आनंद करनेश जी आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि उनका जो बालपन है वो भारत देश में गुजरा है और बहुत ही सुंदर बाल्यावस्था से वो गुजरे हैं। आनंद जी कहते हैं कि जब मैं छोटा था, मेरे बाल्यावस्था में इस प्रकृति के साथ मेरा इतना अद्भुत संबंध जो था वो मुझे आज भी याद है। मुख्य रूप से पेड़ों से, पर्वतों से जो मैं गहरा संबंध अनुभव करता था वो बहुत ही सुंदर पल थे। आनंद करनेश जी अपने बालपन के उस सुंदर समय को अद्भुत वर्ष कहते हैं। ये कहते हैं आनंद करनेश जी कि ये जो अद्भुत पल से भरा हुआ मेरा बाल्यपन था
वो सिर्फ मेरे 18 साल तक ही अनुभव किया, या जब तक मैं 18 साल का हुआ तब तक मैंने अपना ये सुंदर बालपन को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया, क्योंकि उसके बाद जिस मानसिक प्रक्रिया से, जो दर्द से पूर्ण भरित थी, उनकी जिंदगी ऐसे अनुभवों से भर गई। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे जीवन के जो 18 साल थे वो बहुत ही मैजिकल थे, सुंदर थे, क्योंकि उसके बाद मेरी जिंदगी में दर्द भरा हुआ मानसिक प्रक्रिया छा गया। आनंद कर्णेशी कहते हैं कि उसके बाद की जो मेरी यात्रा थी, जो मानसिक दर्द से भरी हुई थी, उसके कारण मेरा मन बहुत ही विचलित रहता था। हर एक पल मैं ये दर्दपूर्ण क्षणों के एहसास से गुजरता था, और ऐसे दर्द भरे अनुभव के साथ मैंने 9 महीने गुजारे। आनंद कर्णेशी कहते हैं कि जो भी कुछ मेरे जिंदगी में तब तक खुशियां थी, वो सारी खुशियां इस दर्द भरे मेरे मानसिक प्रक्रिया के कारण तार तार हो गई मेरी खुशियां। अगर इस भूमि पर कहीं नरक है तो वो नरक के जरिए मैं ही गुजर रहा था। आनंद कर्णेशी कहते हैं कि ऐसे दुख भरे, दर्द भरे हुए समय से मैं 18 साल के उम्र के बाद जो 9 महीने मैंने काटे, बाद में जो मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो मानसिक प्रक्रिया थी वही मेरे आध्यात्मिक जागृति का कारण बनी, क्योंकि उस 9 महीने के पश्चात जब एक दिन मेरे पास एक जैन धर्म की किताब लगी जिसका नाम है द साउंड ऑफ वन हैंड, इस किताब के शीर्षक का मतलब हिंदी में एक हाथ से ताली बजना या एक हाथ की आवाज, जब ये किताब मेरे हाथ में लगी तो उस किताब के विवेक ने मेरे दर्द को पिघला दिया। मेरी जितनी भी सफरिंग थी, जो भी पीड़ा के जरिए मैं गुजर रहा था, मानो एक ही क्षण में वो सारी पीड़ा गायब हो गई। और जैसे जैसे मैं ये किताब के जरिए आगे बढ़ता गया तो इस किताब ने मुझे मेरे दर्द भरे सोचों को स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित किया। उस क्षण तक मैं इस दर्द से बचकर भागने की हमेशा सोच में रहता था। मेरा जो भी सोच था कि मैं इस दर्द से अपने को कैसे विमुक्त करूं, पर इस किताब के जरिए मेरे मन में ये प्रेरणा जागी कि इस दर्द भरे अनुभवों को, एहसास को मैं अपनाऊं, स्वीकृत करूं। 9 महीने से आनंद कर्णेशी कहते हैं कि वो इन दर्द भरे सोचों से, एहसास से निरंतर भाग रहे थे, और इन 9 महीनों में जितना भी उन्होंने भागने की कोशिश की, ये सोचें उतनी ही अधिक गुना बढ़ती ही चली गई। इस किताब के जरिए जो समाधान मुझे प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से मुझे अपने इस डर का सामना करना था, अपने इस डर के आंखों में आंखें मिलाकर देखना था, और अपने इस दर्द को स्वीकार करना था। और जैसे जैसे मुझे ये बात समझ में आने लगी
और जैसे जैसे मैंने अपने दर्द को, अपने डर को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो ये डर और ये दर्द एक ही क्षण में पिघल के पानी हो गए। और उसी क्षण मेरा ये नरक भरा अनुभव समाप्त हो गया। और ये ही नहीं, मुझे एक ऐसी चाबी मिली जिस चाबी के माध्यम से मैं अपने जीवन के कई पहलुओं के तालों को खोल सका। तब मुझे ज्ञात हुआ कि न जानते हुए भी मेरे जीवन के ऐसे कई पहलू हैं जो डर से भरे हुए हैं। और जैसे जैसे मैंने अपने अलग अलग पहलुओं को, दर्द से भरे, डर से भरे पहलुओं को अपनाना शुरू किया, बिना कोई जजमेंट के, धीरे धीरे वो डर पिघल के गायब हो गए। और ये जो प्रक्रिया थी एक्सेप्टेंस की, उसके कारण मैं अपने अंदर, अपने गहराइयों तक जा सका। और जैसे जैसे मैं अपने गहराइयों तक पहुंचता रहा, तब मैंने जाना कि ये जो डर मेरे गहराइयों में, परतों में था, वो एक एक करके पिघल रहे थे। उस क्षण से मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो गई। और उस जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मेरे चेतना को विस्तार करना। और किसके माध्यम से? समर्पण के माध्यम से। अपने डरों को, अपने दर्द को स्वीकार करके, अपने को समर्पण करते हुए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरी चेतना उतनी ही विस्तृत होती चली गई। आनंद गणेश जी यहां पर माँ से अपने आत्मा की वो अंधेरी रात के बारे में बांट रहे हैं, जिसके द्वारा हम ये जान पा रहे हैं कि आनंद गणेश जी जब 18 साल के हुए, तो 9 महीने के लिए जो दर्द से भरी हुई मानसिक प्रक्रिया के जरिए वो नरक देख रहे थे, उससे अपने आप को वो किस तरह विमुक्त कर सके, उनके इस अनुभव को सुनकर लक्ष्मी माँ कहती हैं कि बेटा, ये ही तुम्हारे आत्मा की अंधेरी रात थी, पर जैसे जैसे तुमने अपने अहम को समर्पण किया, अहम को त्यागा, तो तुम अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ने लगे। ऐसा लगा मानो कि तुमने एक पुनर्जन्म लिया है। और ये जन्म कोई आसान जन्म नहीं था, बहुत पीड़ा सहने के बाद आया हुआ जन्म। कोई भी जन्म, माँ कहती है, कोई भी जन्म एक मातृमूर्ति को दर्द देती है और बहुत ही बेचैनता भी देती है, बेचैनी भी देती है। पर जब प्रसव के बाद माँ अपने बच्चों को देखती है, तो दर्द और बेचैनी दोनों ही माँ भूल जाती है या उसे अपने से दूर कर देती है। इसी प्रकार आनंद गणेश जी के लिए भी ये एक बहुत ही कठिन प्रसव था, जिसके पश्चात उनका भय और उनकी बेचैनी दोनों दूर हो गए। माँ कहती है कि ये जो प्रक्रिया जिसके जरिए तुम आगे बढ़े, ये प्रक्रिया, ये जो एग्रीमेंट तुम बना के आए थे जन्म के पहले, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं दोस्तों, माँ कहती है तुमने जन्म लेने के पहले ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा था कि इस प्रक्रिया के जरिए तुम आगे बढ़ोगे इस जन्म में। माँ कहती है सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, इसके पहले कई जन्मों में तुमने ये प्रक्रिया का सामना किया, और हर बार इस प्रक्रिया के कारण
तुम अपने आध्यात्मिक मार्ग में एक और स्टेप आगे बढ़े। अगर तुम ये प्रक्रिया के जरिए नहीं गुजरे होते, तुम्हारा जो मन होता वो हर एक सामान्य मनुष्य के भांति बिलीफ सिस्टम से, सोचों से भरा रहता और तुम हर एक प्रश्न के जवाब के लिए अपने मन में ही खोजते रहते। ऐसा जब होता तो इसके कारण तुम अपने आप को बड़े क्रोधित पाते और अपने इस क्रोध के कारण तुम अपने सोल पाथ पर इस जन्म में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके कारण तुम्हारा जो हृदय है उसको बहुत ही चोट लगती और इस घायल हृदय के साथ तुम अपने आत्मपथ पर, सोल पाथ पर इस जन्म में आगे निरंतर प्रगति मार्ग पर नहीं बढ़ पाते। पर ऐसा नहीं हुआ, तुमने एक्सेप्टेंस और समर्पण इस भावना के साथ तुम आगे बढ़े इस प्रक्रिया में। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो बात कुछ और थी, पर क्योंकि तुम इस प्रक्रिया के जरिए गुजरे, इस प्रक्रिया ने तुम्हें एक्सेप्टेंस का, समर्पण का मार्ग दिखाया, जिसके कारण एक बार तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ और तुम अपने सोल पाथ पर, अपने आत्मा के प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े। ये ही नहीं, ये जो प्रक्रिया थी जिसके द्वारा तुम गुजरे, उसके कारण जो मनुष्य के बीच के जो संबंध होते हैं, तुमने अपने सारे संबंधों के जाल से अपने आप को विमुक्त किया। जब तुम ये कठिन समय से गुजर रहे थे, तुम्हारे साथ तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए कई अवधूत एंजल्स तुम्हारे इर्द गिर्द थे। ये ही नहीं, सरस्वती जी ऐसे कई दिव्यात्माएं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारा सहारा बनकर खड़े हुए थे, क्योंकि इस समय तुम्हारे मन में एक ही मंशा थी कि किस प्रकार सही ज्ञान द्वारा तुम अपने आप को कांति के मार्ग पर ले जा सको। महालक्ष्मी जी कहती हैं कि जब तक तुम 18 साल के हुए, तब तक सरस्वती माँ तुम्हारे साथ थी, और जब तुम इस कठिन दौर से गुजर रहे थे, तुम्हारे गाइड्स, तुम्हारे एंजल्स सब तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे इस कठिन यात्रा में, जो 9 महीने की कठिन यात्रा के बारे में आनंद कर्णेशी ने हमसे कहा। माँ कहती है कि गाइड्स और अवधूत उनके चारों ओर थे उनकी सहायता करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि जब इस 9 महीने की प्रक्रिया से तुम गुजर कर बाहर आओगे, एक बार अपने जीवन में तुम पुनः आनंद उत्पन्न करोगे। तुम्हारी जो पूर्णात्मा थी वो भी जानती थी कि 9 महीने के जरिए तुम्हारे जिंदगी में कौन से बदलाव आने वाले हैं। इसीलिए जब तुम सोते थे, तब तुम्हारी पूर्णात्मा तुम्हारे गाइड्स के साथ मिलकर, तुम्हारे मार्गदर्शक के साथ मिलकर तुम्हारे जिंदगी में आने वाले समय के लिए तैयारियां कर रही होती।
इस जन्म में आने के पहले तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तुमने जो प्लान बनाया, उसमें तुमने इन सारे अवधूतों, एंजल्स, मार्गदर्शकों को अपनी सहायता करने के लिए तुमने पहले से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्योंकि इस जन्म में तुम इस कठिन प्रक्रिया के जरिए गुजरे हो, और इस जन्म में ही नहीं, इसके कई पहले जन्मों में भी तुम इस प्रक्रिया से गुजरे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता तुम्हें फिर से होगी। माँ कहती है, इसीलिए मैं कहती हूं कि तुम्हारे आने वाले जन्मों में इतनी पीड़ा भरी हुई प्रक्रिया से तुम्हें दोबारा गुजरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस वजह से ये प्रक्रिया, ये पीड़ा से भरी हुई मानसिक प्रक्रिया तुम्हारी जिंदगी में आई, उसका मकसद पूरा हो चुका है। क्योंकि तुमने स्वीकृति और समर्पण के मार्ग को समझकर अपने जीवन में उसे अपनाया है। ये सब सुनकर आनंद कर्णेश जी माँ से कहते हैं, बहुत शुक्रिया माँ। ये सुनकर अच्छा लगा कि एक बार और अगले जन्म में मुझे ऐसी पीड़ा भरी मानसिक प्रक्रिया के जरिए नहीं गुजरना पड़ेगा। पर क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि इतना दर्द क्यों, हम इतने दर्द के जरिए क्यों गुजरते हैं? माँ कहती है कि बेटा, ये तुम्हारा सोल पाथ था कि ऐसे दर्द को तुम अनुभव करो। ऐसे कई लोग हैं जो इस ऐसे दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरते हुए इसे एक पवित्र प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि अंत में जब इस प्रक्रिया से तुम बाहर आए तो तुमने अपने को एक बहुत ही अद्भुत स्थिति में पाया। इस प्रक्रिया ने तुम्हें तुम्हारे मन के जाल से बाहर निकाला, तुम्हारे पहले तीन चक्रों को संपूर्ण रूप से खोलने में यह प्रक्रिया बहुत सहायक थी। तब आनंद कर्णेश जी माँ से कहते हैं कि माँ, इस प्रक्रिया, 9 महीने की इस प्रक्रिया के बाद मेरी अवेकनिंग हुई, मेरी जागृति हुई, पर उस जागृति होने की अवस्था तक ये जो दर्द था, ये जो मानसिक दर्द की जो प्रक्रिया थी, 9 महीने तक हर पल मेरा पीछा करती रहती थी। इसके उत्तर में माँ कहती है, बेटा, इस 9 महीने की दर्द भरे अनुभव के बाद जब तुम समर्पण और स्वीकृति के मार्ग में आगे बढ़कर आध्यात्मिक जागृति के जरिए बाहर निकले, तब तुमने अपने पहले चक्र, मूलाधार चक्र में शून्यता को अनुभव किया, और फिर जब भी तुमने स्वीकार करने के बदले संघर्ष किया, तुम अपने आप को हर बार उस दर्द भरी प्रक्रिया के जरिए गुजरते हुए महसूस करते थे, तो इस बात से तुम्हें एकदम ये ज्ञात हो गया कि तुम्हारे लिए संघर्ष का मार्ग सही नहीं था। जब भी तुमने अपने जीवन में संघर्ष करने की कोशिश की, तब तब तुम अपने आप को इस दर्द भरी प्रक्रिया से अनुभव करते हुए अपने आप को जानते थे, और जब भी तुमने ये पहचाना, तुरंत तुमने संघर्ष को छोड़कर समर्पण का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे तुमने ये जाना कि किस प्रकार समर्पण के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने पहले चक्र के चारों ओर के अपने मन को खाली कर सकते हैं या पिघला सकते हैं। और जैसे जैसे तुम्हें ये बात मालूम पड़ गई, ये तरकीब मालूम पड़ गई कि समर्पण के मार्ग में आगे बढ़ते हुए पहले चक्र के चारों ओर के मन को खाली कर सकते हो, इस
ज्ञान के साथ ही ये जो दर्द भरी प्रक्रिया थी हमेशा के लिए गायब हो गई। इसके पश्चात भी तुम्हारे दूसरे और तीसरे चक्र के चारों ओर जो मन था उसे फिर भी तुम्हें खाली करना था, क्योंकि दूसरे चक्र के चारों ओर मन जो होता है वो मनोभावना से भरा रहता है और तीसरे चक्र के चारों ओर का मन अहम से भरा रहता है। तो यहां पर माँ आनंद कर्णेश जी को ये बता रही है कि किस प्रकार उनके पहले तीन चक्र के चारों ओर के मन को वो खाली करके अपने चक्रों को खोल सके। दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहां समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आनंद कर्णेश जी अपने पहले तीन चक्रों को किस प्रकार खोल सके, माँ के मुख से इसे विस्तार पूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।